तो आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं मर्ज सिम्युलेटर। एंड वेल, आज के एपिसोड में अपन लोग करने वाले हैं बहुत सारी रिवर्थ, क्योंकि वेल जैसा तुम्हें पता है लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने लिटरली सिर्फ ब्लॉक्स को कंबाइंड करने पर ही फोकस किया था, नथिंग एल्स। बट वेल, आज के एपिसोड में अपन करेंगे बहुत सारी रिवर्थ, क्योंकि रिवर्थ करने से ही अपन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बट उससे पहले अपन करेंगे ये पार्कोर, बिकॉज इसको पूरा करने पर अपने को एक रिवॉर्ड मिलता है, जो एक्चुअली एक तो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है बट दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्यों बट नहीं दिखा रहा। ठीक है, नेवर माइंड, मैं इसको दोबारा पूरा कर लूंगा, पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीन चार लोंडा लोंडिया भैया लिटरली बहुत देर से लग रही थी इसे करने में, बट बेचारे नहीं आओ। ओके, हाँ या मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कति अलवा ना है बट कति ही इम्पॉसिबल भी ना है। ओके, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी इसको एक बार पूरा, ऑलरेडी कर चुका हूँ और अभी किया है थोड़ी देर पहले। ओके, एंड मेरे को कुछ 2x फैंजी मिला था, पता नहीं क्या था बट मिला था, तो मैं ये भी नहीं, कम ऑन यार। ओके, ये लो हो गया काम अपना, जैसे मैंने कहा था मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, एंड मेरे को दोबारा से वही मिला 2x फैंजी फॉर 30 मिनट। अब एंड पहले भी ऐसा ही मिला था। ठीक है, एंड उस बात को मुश्किल से 5-6 मिनट हुए हैं बट स्टिल पता नहीं ये क्या हो गया था, आई डोंट नो। बट खैर, जो भी हो अपना काम बन चुका है दोबारा से, मुझे ये बताया। ओके ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर और कर लेते हैं रिवर्थ। यस, मैं सीधा ही पैसा वेस्ट करने से बेटर इन लोगों को अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। एंड अप कर लेते हैं रिवर्थ और मुझे ये सब दोबारा बाय करना पड़ेगा। व्हाट द हेक भाई, ये मेरे को ना पता था यार कि ऐसा भी होता है। कम ऑन, मतलब कम ऑन। चलो ठीक है, एटलीस्ट एक काम कर लेते हैं, अब अपन ने रिवर्थ की है तो इनको यूज़ कर लेते हैं अपने जेम्स वगैरह को। ठीक है, सो वेल, अब अपनी जो ये हो चुकी है 1.2, यानी 20% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, तो ये मैंने किया इसको कंबाइंड, एंड कायदे से तो एक बार क्लिक करने के दो मिलने चाहिए। ठीक है, बट एक, अबे कौन सी भांग पी ली, हेलो, व्हाट, तो मतलब मेरा रिवर्स करना वेस्ट गया सही में। ना ना यार, ऐसे थोड़ी होता बे, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, अगली रिवर्स के लिए चाहिए 91 मिलियन। वेल, वो मैं एक्चुअली मैं अभी कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एज यू नो एक्सपीरियंस ऑलरेडी खेल चुके हैं अपन, तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड वेल, तुम देख सकते हो मेरा यहाँ पर 2x फेंजी जा चुका है एंड ये अभी भी लॉक बता रहा है। पता नहीं ये क्या नशे हैं गेम के बट है एक्चुअली। ओके, ऑलराइट, मैं अपना स्पॉन टीयर इंक्रीज कर देता हूँ और इस पर फटाफट क्लिकिंग कर। +$3 क्यों मिल रहे हैं यार, +9 मिलने चाहिए ना इन्वर्टर को। नहीं, ज़्यादा मिल रहे हैं एक्चुअली भी, हाँ ज़्यादा मिल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, या ज़्यादा मिल तो रहे हैं एक्चुअली, देखा जाए कायदे से। ठीक है, हाँ ओके, जो भी हो जैसा भी हो ठीक है ना। फटाफट से मैं कर लेता हूँ ये वाली रिवर्थ 9.1 मिलियन वाली। मैं पहले आज के एपिसोड में जितना हो सके ना उतनी रिवर्थ पे लूँगा, क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है इस गेम में कायदे से। ओके, एंड बाकी अपग्रेड के लिए ज़्यादा जेम्स नहीं चाहिए, ठीक है हो जाएगा काम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगली रिवर्थ में आपको +25 मिलेंगे, व्हाट यार, ये क्या बात हुई बे, है मतलब तुम तो इंक्रीजमेंट ये ज़्यादा कर रहे हो कुछ भाई, मुफाड़ के मांग रहे हैं साली ये तो, हैं ऐसे थोड़ी होता है भाई, कायदे से तो ऐसा खत ही नहीं होता है। पर अब तुम मतलब हो रहे हो ज़्यादा तो क्या करें। ठीक है, मैं अपना स्पॉन टीयर इंक्रीज कर देता हूँ बिकॉज मैं ये गेम ऑलरेडी खेल चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी भैया अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव को यूज़ करूँगा। ओके, जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। ओके, एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रॉन्ग बनने का। एंड ये जो भी है अपने मिनियंस वगैरह अभी मैं बाय नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि मेरे को अभी नीड नहीं है इनकी। ओके, अभी मेरे को नीड है तो है बस पैसों की। यस, पैसों की। एंड क्या यहाँ पर कोई अपग्रेड वगैरह आया नहीं भाई, सेम, नेवर माइंड। हाँ, तो अभी मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है, नथिंग एल्स। तो यप, मैं अपना टाइम पैसे के पीछे लगाऊंगा, ना कि ये फालतू मिनियन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेने पर। ओके, एंड अपन अभी करेंटली 5 ब्लॉक स्पॉन कर सकते हैं, लिमिट कम है अपनी। यप, आई नो मेरी लिमिट कम है। ठीक है, मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, अब ये पर्पल वाले आएंगे, देन अपन इनको आराम से कंबाइंड कर पाएंगे और जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे।
भाई सब जानता है ओके। एंड ये पार्कोर दोबारा ओपन हो गया भाई, मेरे लिटरल इसका सीन ही समझ में नहीं आता ओके। बट खैर जो भी चल रहा है जैसा भी चल रहा है इसको फटाफट से दोबारा पूरा कर लेते हैं और इसमें जो रिवॉर्ड मिलता है उसको ले लेते हैं। भाई 2x फेंजी मिलता है अपने को, बट वो काम क्या आता है, मतलब क्या काम आता है, मतलब उससे कुछ होता है या फिर ऐसे अपना फुद्दू काटने के लिए बता दिया क्या भैया 2x फेंजी होता कचू नहीं। ओ शिट भाई मैं बताऊं कायदे से ये जो भी है अपना ये पार्कोर वगैरह ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ओके, बस मैं भावनाओं में बह जाता हूँ थोड़ा बहुत, जिस वजह से मैं इसको डिफिकल्ट बना देता हूँ, अदरवाइज तो इतना नहीं है डिफिकल्ट, कायदे से कति भी डिफिकल्ट नहीं है ठीक है। थोड़ा ब्लॉक्स भी इम्प्रूव कर लेते हैं और अब सही है, बस चलने दो गाड़ी को जैसी चल रही है वैसा है ना। एंड वेल अगली के लिए चाहिए अपने को 73 वॉल, मैं सही कहूँ ये अपनी जो 2x फैंजी वगैरह, ओह यस वो कुछ भयंकर ही हो रहा है अभी देख सकते हो तुम, ज्यादा पैसा मिल रहा है अपने को या मींस ये 2x फैंजी एक्सेट्रा जो भी है ये सही में कोई कायदे से चीज है काम की ओके ठीक है। अंडरस्टूड सही है। तो अभी के लिए ऐसे ही चलने दो गाड़ी को, अपने को 91 मिलियन करनी है, देन अपन अगली रिवर्थ पेल पाएंगे, देन अपन स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे एंड वही अपने को करना है। यस मेरा मोटिव ये आज का वही है कि भैया अपने को स्ट्रॉन्ग बनना है ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा। यस एंड ये 2x फैंसी मेरा दोबारा जा चुका है, पता नहीं ये साला आता भी क्या काम है मेरे को तो ठीक है, मतलब काम भी आता है या फिर ऐसे ही मतलब मजे मजे में दे दिया कि हाँ भैया 2x फैंसी लो लो और है ना मजे करो जिंदगी में, बट समझ के बाहर गया भाई कत ही ठीक है। बट या जो भी हो जैसा भी हो या मतलब कर नहीं सकते ना कचू, यो है बात ओके। ऑल राइट बढ़ाओ इनको, करो इंक्रीजमेंट, करो पैसा पानी, फिर अपना स्पॉन टीयर इंक्रीज करेंगे अपन। एंड वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपना ये पार्कोर है ठीक है, इसमें से अपने को सिर्फ ये एक ही चीज़ मिलती है क्या, मतलब ये जो ये 2x फैंसी या फिर समथिंग एल्स, मतलब सिर्फ यही है फिर कुछ और भी है? नहीं मतलब एक ही यही चीज़ है तो फिर ये बहुत ही बर्बाद है ठीक है, मतलब कुछ और भी होना चाहिए ना यार, मतलब तभी तो मज़ा आएगा ना असली वाला कि भैया हाँ भाई मतलब कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट आ रहा है मज़ा ज़िंदगी में, बट सेम थिंग ने उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है ठीक है। बट ठीक है जो भी हो जैसे भी हो चले दो अभी तो गाड़ी को ठीक है। अभी अपन जो कर सकते हैं वो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो वेल मैं अभी वही करूँगा ओके, जितने ब्लॉक हो सकते हैं कंबाइंड करो, जितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं उतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और बात रही मिनियंस की तो मैं प्रेटी श्योर हूँ कि भैया कुछ देर में मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा कि मिनियंस तो मैं लिटरली यूँ चुटकियों में बाय कर पाऊंगा, इतना स्ट्रॉन्ग बन लूंगा मैं ठीक है। देखते हैं चलो कितना बन सकते हैं कितना नहीं बन सकते, और उसके अलावा ये मुझे पता था ये मतलब भाई यार 5 मिनट में उड़ जाता है ठीक है, 32 मिनट के लिए दिया है ये बताते हैं, बट एक्चुअली में ना ये सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए लेता है, या फिर मैं बताऊँ 32 मिनट नहीं 32 सेकेंड होता है इन माई ओपिनियन, क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि भाई 30-30 सेकेंड में तो चला जाता है, कहीं के 32 मिनट होगा वो। एंड वेल इस बार बिना मारे क्या मैं इसे पूरा कर पाऊँ, नहीं हो भाई ऐसी हरकतें होती है ना भगवान कसम, मतलब कलेजा मुँह को आ जाता है कतई ओके। तो वेल इंक्रीजमेंट तो होती है पैसों में ओके, अब कैसे होती है ऊपर वाला जाने, बट कचू तो होता है ये है बात है ना। सही है कीप गोइंग, अपने को बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत ही सारा, एटलीस्ट 91 मिलियन तो दबा के रिवर्थ पेलनी पड़ेगी ठीक है। एंड वेल भैया कसम से बता रहा हूँ क्या सीन है, लो ये देखो तुम +70 ओ ये 2x फैंजी का कमाल है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ठीक है। तो मैं बताऊं भैया जब मेरा रिवर्थ करनी होगी ना मैं दोबारा वहीं पहुंच जाऊंगा, मतलब यहाँ मैं बकायदा बहुत कमीना हूँ मुझे पता है ना। या वेल अपनी 2x फैंजी वगैरह जो भी वो थी वो चीज़ वो जा चुकी है, बट स्टिल यहाँ पर 75 है मीन्स आई डोंट नो क्या, बट कचु तो फर्क पड़ता है कैसे पड़ता है ऊपर वाला जाने ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वेल अपना तो फायदा हो रहा है मैं तो यो जानता हूँ, तो भाड़ में जाए सानू की ठीक है, सानू की मतलब भाई जब तक चीज़ काम में समझ में आ रही है तब तक तो समझो, ना आ रही तो भगवान के भरोसे छोड़ो और आगे बढ़ो बस। यप
और वेल जितनी बार ये पार्कोर आएगा ना, मैं उतनी बार इसे करूंगा, क्योंकि मुझे लगा है पार्कोर करने से ही कछु जिंदगी में सुकून आ रहा है अपने, ठीक है। तो यस, मैं दवा के पार्कोर खेलूंगा एंड 3000 प्लस, और अपना करेंट टिक है स्ट्रेंथ 6.9K इम्प्रूव्ड वेरी वेरी एक्चुअली, ठीक है। वेल इस रिवर्थ का सीन पानी मेरे अब समझ में आ गया है। इसका सीन में मतलब क्या है, अपन जैसे जैसे गेम में प्रोग्रेस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होती जाएगी। लाइक अपन ने स्टार्ट किया था तब ये 25 थी एंड अब ये 90 पहुंच चुकी है, एंड जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस अपनी आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये भी इंप्रूव होगी। वेल मेरे तई पल्ले पड़ा है, ओके। अब आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, एंड मैं एक्चुअली इसको ले ही लेता हूँ यार। एक पड़ा रहेगा, करता रहेगा अपने लिए मजदूरी, है ना ब्रो? या मतलब यू आर राइट, मैंने मजदूर हायर कर लिया अगेन। या मतलब भाई अपन अब रिवर्थ देखो, अपने को 91 पे हो गई, ठीक है। अब इवन तो मैं चाहूँ तो वो क्लिकिंग वगैरह कर कुरा कर भी कर सकता हूँ, बट वो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा टाइम ले लेगी, है ना। सो यस, अपन ये ऐसे ही करने वाले हैं, रिवर्थ वगैरह लंबी जाएगी तो इस तरह करने में एक्चुअली में वो इजी होएगा, तो मैं इसी तरह करूँगा, है ना। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करूँ, या वो बंदा अपने लिए मजदूरी कर। वेट, हेलो, व्हाट, ये पहले 90 थी, ये 91 हो चुकी है। ओ, तो जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करते जाएंगे ये भी इंक्रीज होता जाएगा। डोंट टेल मी कछु ऐसा ही सीन है इसका। नहीं, अगर देख साड़े मर जाएगा मेरे हाथ से तू, ठीक है, फालतू के है ना, नाटक ना कर तू मेरे नाल। या एंड वेल यस, तो मिनियन को देख के समझ गए होगे मेरा आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज यप सम इशू। तो हाँ, मेरे वाईफाई में खराबी आ गई जिस वजह से मैं मोबाइल डेटा पर खेल रहा हूँ, ठीक है। या मतलब यही रीज़न है यार, इसलिए इंटरनेट तुम देख सकते हो कति मरने को तैयार बैठा है, बट मैं मरने भी नहीं दे रहा उसको ना, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, हम मरने भी नहीं देंगे तुमको। भैया ये तो सिर्फ दूसरी ही रिवर्थ है एंड इसी में मेरी हालत खराब हो गई। सोचो अभी तो अपने को बहुत सारी रिवर्थ करनी है एंड अब अपने को मिल रहे हैं प्लस 115। एंड वेट, मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली काम कर लेते हैं, अपने इस बंदे ने इतनी मेहनत कर दी है तो थोड़े बहुत अपन नए ब्लॉक्स बना लेते हैं ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। बट एक्चुअली सही कहूँ ने, डायमंड तक लाते लाते लिटरली बहुत टाइम लगेगा, सो एक और रिवर्थ कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब बेल मेरे को ज़्यादा माल मिलना चाहिए, राइट, क्लिक करके देख लेते हैं। एक का वैसे 20% क्या होता है, 20 पैसे, कम ऑन, सही है, एक काम करते हैं इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो करेंटली अपने पास है 542 549 एंड वेल एक्चुअली में वेज से इंक्रीजमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, बहुत नहीं लिटरली बहुत यार, यस बहुत ज़्यादा। एंड उसके अलावा आप मैं ले लूँगा जब वो 2x फैन जीत, तो मेरी स्पीड और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ब्रो तेरे पे ये ना हो रहा पूरा है, और अक्कड़ बच्चा, ओ भाई साहब डरावना है साला यार, हैं, देख लो स्किन डज नॉट मैटर, ठीक है। मतलब लोगों को पता नहीं क्यों ऐसी गलत फहमी है कि जो बंदा स्किन लगा के डोल रहा है ना वो बंदा प्रो होगा। आई डोंट नो लोगों में क्या ही गलत फहमी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, स्किन और स्किल में फर्क होता है। यस, मैं ये पार को इतनी देर से कर रहा हूँ कि मेरी स्किल बन चुकी है एंड वो छोरा सिर्फ स्किन लगा के डोल रहा है, तो या इट डज नॉट मैटर, ठीक है। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर वापस से और कंबाइंड करो स्ट्रॉन्ग बनो। 50 सेकंड के लिए ही मिला है, फटाफट से क्लिक गेन कर लो जितनी कर सकते हैं, ठीक है। या बाकी चीज़ें बाद में देखूंगा, ओके भाई 40 सेकंड के लिए है यार, तो इंक्रीजमेंट आन दो। साली हट जा आगे से, ये मेरा ब्लॉक है, मुझे इसी से काम है आज, ठीक है। वेल ये 2x फैंजी लिटरली में भाई सही चीज़ है, ठीक है, नहीं इससे काफ़ी तेज़ी से अपना काम बन जाता है, तो यप मेरे को ये पसंद आई, ओके सही है। यस, सारे सेम ही कैटेगरी के ब्लॉक हो चुके हैं तो फ्यूजिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड वेल कसम से बता रहा हूँ, इस बार मेरे हिसाब से ये काम तेज़ी से होगा, क्योंकि इस बार मैं एक नई स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, ठीक है। यप, इस बार मैं बताऊँ, अपन पहले तो अपन अभी आप देखो जब तक अपना वो चल रहा है लॉक्ड है अपना वो पार्क, और तब तक मैं यहाँ पर फ्यूजिंग कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही वो ओपन हो जाएगा मैं वहाँ जाकर उसको पार्क को कंप्लीट करके 2x फैन जी ले लूँगा एंड देन अपन लोग करेंगे या क्लिकिंग।
तो वेल अब मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके ये गेम कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। यस, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा मैं अब। इजी है ना? या साउंड्स इजी बट है नहीं है इल्ले, ठीक है, कति नहीं है। ओके, ये तुम सोच रहे हो कति इजी है, नहीं नहीं एक्चुअली में, ठीक है, नहीं बिल्कुल।